हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हमारा नवंबर बैच स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम रह गया, एक दो दिन की ही देरी है, तो जल्द से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एक हम लटकन बनाएंगे बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में, बहुत ही सुंदर। तो देखिए, ये मेरे पास जो पैकिंग वाले सूट होते हैं उसके अंदर ये एक फॉर्म से निकलती है ना, ये वो है। इसके ऊपर काटो तो बहुत अच्छी कटिंग होती है, वैसे चार्ट पेपर वगैरह पे भी काट सकते हैं, मेरे को पैटर्न काटना है तो, लेकिन इस पे ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले मैंने देखी एक क्रॉस बनाया और उसके अंदर एक प्लस बनाया, फिर नाप की देखा, ये मेरे पास पूरा 3-3 इंच का घूम गया। अब ये जो मैंने जो स्क्वायर पे फॉर्म लिया है, ये मैंने पूरा डायमीटर लिया है 6x6 का, ठीक है, एक चकोर पीस ले लिया 6x6 का। और मैंने देखिए, आपको दिखा ही रही हूँ मैं कि मैंने किस तरह मार्किंग किया है, और करने के बाद अब हमने सब पॉइंट्स को मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। तो देखिए, जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग डायरेक्ट मिलाने में उन्हें दिक्कत होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लीजिए, ठीक है, और मिलाने के बाद बस कटिंग कर लीजिए, एक सर्कल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अच्छा सा बन गया। अब ये देखिए, मेरे पास नेट है, ये मैंने आधा आधा मीटर दो रंग की नेट ली है। तो अब ये जो मैंने सर्कल बनाया है, मैं नेट के ऊपर इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे कटिंग कर दूँगी, तो ये देखिए, ये मैंने डबल पे ले रही हूँ ना, तो मेरे दो ये सर्कल एक साथ निकल जाएंगे, ये देखिए। अब ऐसे ऐसे मैं 8 पीसेस काटूंगी, तो ये दो निकले ना, तो इसी को ही डबल रख रख के मैं 8 पीसेस काटूंगी, और 8 मैं पिंक में से काटूंगी, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने इसके चारों तरफ पीको कराना है, ए इसके चारों तरफ, और मैंने पीको करा के ये देखिए रख रखे हैं, 8 पीसेस हैं ये मेरे पास पूरे, और 8 मेरे पास दूसरी लटकन के लिए हैं। और ये मैंने एक डोरी बना रखी है, एक दूसरी अलग बना रखी है, एक साइड का मैं आपको बताऊंगी, दूसरी साइड का मैं साथ साथ करती चलती हूँ, दिखाती एक ही साइड का हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास 26 इंच की डोरी है, तो आप चाहें तो और लंबी बना सकते हैं, 30 तक की डोरी आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग बनेगी ये। अब देखिए, इसमें मेरे पास दो रंग लग रहे हैं, तो मेरे को क्या करना होगा, इसमें दो रंग का ही धागा यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम टेसल्स बना लेते हैं इसके, ये देखिए ऐसे बीच से पकड़ना है और यहाँ पर घुमा के अच्छी तरह टाइट करके धागा लपेट देना है, ये देखिए ऐसे खूब कस के लपेट दीजिए और एक फंदा बना के इसमें डाल दीजिए, ये देखिए बस। अब ऐसे करके खींच लो, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन गया। अब एक और बनाते हैं, वो दिखाएंगे, फिर बाकी सारे बना लूँगी इसी तरह, ठीक है ना। जो पिंक वाला है उस पर पिंक थ्रेड लगाना है, येलो पे येलो थ्रेड, ये ऐसे करके फंदा डालना है, ये देखिए, ये एक बार और देखिए ऐसे, बहुत आसान हो जाता है ऐसे फिंगर से फंदा बना के डालने में, ये देखिए इस तरह करके हम सारे बना लेंगे, जैसे मैंने दो बनाए हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे बना के कंप्लीट कर लिए हैं, डोरी भी तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने मोती जो लिए हैं, एक तो डोरी वाले मोती लिए हैं, एक धागे वाले लिए हैं, ठीक है, ये इजीली मिल जाते हैं, एक में तो थ्रेड जाएगा, एक में डोरी चली जाएगी, उसका होल बहुत बड़ा होता है। अब ये देखिए, धागा मैंने 4 तह का डाला हुआ है, तो मैंने 2 सुइयों में ले लिया, एक में पिंक डाल लिया, एक में येलो डाल लिया, तो देखिए पिंक कलर का हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले येलो लगाएंगे, कि डोरी हमारी स्टार्टिंग से अगर येलो डोरी होती तो हम उस पर पिंक लगाते, अब हमारी पिंक डोरी है तो हम येलो वाला टेसल्स पहले लगाएंगे। तो पहले छोटा मोती, फिर बड़ा मोती,
ठीक है ना, जैसे हम मोस्टली डालते हैं पहले बड़ा फिर छोटा, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा करना है क्योंकि ये जो डोरी का जो जॉइंट है वो बड़े मोती के नीचे ही छुप सकता है, तो इसलिए आपको बड़ा मोती ऊपर रखना है जो बड़े होल वाला है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया ना, अब जब ये बड़ा मोती इसके ऊपर आएगा तो ये छुप जाएगा इसका जॉइंट, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे हम 2 इंच के ऊपर एक और निशान लगाएंगे, ये देखिए ये हमने लगा लिया। अब लगाने के बाद बस यहाँ पे भी एक और लगा देंगे, अभी हमने येलो लगाया ना, अब हम पिंक लगाएंगे, ये देखिए ठीक है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमारे को बड़ा वाला जो मोती है वो डालने की ज़रूरत नहीं, छोटे मोती से ही काम हो जाएगा। बस बड़ा मोती आपको वहाँ डालना है जहाँ पे आपको जॉइंट को छुपाना है, ये देखिए 4 तह का धागा है तो बहुत मेहनत नहीं लगती, फटाफट होता चला जाता है। ये देखिए ये बन गया ना, तो अब 2 टेसल्स हमारे लग गए हैं। अब देखिए हम आगे कैसे इसे करेंगे, थोड़ा सा और जो हम डोरी लगाते हैं उससे थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, नापते नापते हम लगभग 4 इंच ऊपर चले जाएंगे और इसे कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये उठा के एक तरफ रख देंगे। अब इसके अंदर फिर वैसे ही जैसे पहले लगाए थे ना, तो 2 फुमन लगाएंगे, एक येलो और एक रेड, तो बिल्कुल प्रोसीजर वो ही रहेगा, एक छोटा मोती एक बड़ा मोती, ये देखिए पहले की तरह हमारे 2 टेसल्स लग चुके हैं। अब फिर से हम इसको कट करेंगे, जैसे हमने पहले वाला कट किया था ना 4 इंच ऊपर लेके, अब फिर से हम इसको कट करेंगे। तो अब इसी डोरी को मिला लेते हैं और करने के बाद फिर से कट कर देंगे, ठीक। अब ये 2 हमारे पास कट के एक तरफ हो गए। अब ये जो डोरी बची है इसमें हम 4 टेसल्स लगा देंगे, एक येल्लो पिंक, ये देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब इसे तैयार करना है। यहाँ से अब हमें इसके अंदर इसे जॉइंट करना है। पहले हम लेंथ वाइज चल रहे थे, अब हम विड्थ वाइज चलेंगे। अब इसके अंदर हमें बड़ा मोती डालना है ताकि इसका जॉइंट छुप सके, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, एक नीचे वाला टेसल्स जो है उसके बीच में, इससे लंबी डोरी हो जाएगी और ये फ्लावर जो है फैले फैले हो जाएंगे, एक लाइन में नहीं रहेंगे। एक लाइन में तो भद्दे लगते ना, तो ये पीठ पे फैले हुए लगेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए जो पहले वाला टेसल्स है बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर हमने, मतलब कि जैसे एक पहला और जो सेकंड नंबर का उसके मिडिल में हमने इसको अटैच कर दिया, ये देखिए। इसी तरह आप कितनी भी लंबी डोरी बना सकते हैं, ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ये बस पक्का कर देना है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है ना, नहीं तो फिर टूटने का डर रहता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह पक्का कर देना है इस जॉइंट को। ये देखिए ये हमारा जॉइंट एक डोरी के नीचे हो गया। अब उसके बाद उससे ऊपर एक फ्लावर छोड़ेंगे उसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले येल्लो के ऊपर हमने डोरी जॉइंट की मिडिल के अंदर, फिर पिंक आ गया, पिंक के ऊपर हमने उसके बीच में जॉइंट किया दूसरी डोरी,
ये देखिए इसमें भी बड़ा मोती चलेगा, बस यहाँ पर एक एक फ्लावर छोड़ के बस वहाँ पे अटैच करते चले जाएंगे। अब आप चाहें तो और इसके अंदर इसी तरह के फ्लावर बना लीजिए और लंबी डोरी बना लो ये, लेकिन का बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ना लंबी होती ना छोटी होती, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है ना पीठ पे, ज़्यादा नीचे भी हर चीज़ अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नीचे भी डोरी अच्छी नहीं लगेगी और बिल्कुल ऊपर भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए अब ये हमारा बन चुका, एक साइड का बन गया ना, अभी दूसरी साइड का मैंने बना लिया साथ साथ में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर जब मैं डोरी में इसे अटैच करती हूँ वो भी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए ये सेकंड डोरी है, ये फर्स्ट डोरी है, ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं सूट दिखाती हूँ आपको जिस पर मैंने ये अटैच किया है, ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये येलो कलर जो मैंने कंट्रास्ट डाला ना इस रंग का, इसका दुपट्टा है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। गला आप चाहे कितना भी डीप बनाएं, बहुत सुंदर बनेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। ये देखिए इस तरह हमारी डोरियाँ आएंगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सीखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।